विश्व गुरु आईएएस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर से पूछे जाने वाले संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर में इंटरनेशनल रिलेशन और अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। आइए कि हाल ही में जो भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच 40 साल बाद नौका सेवा बहाल हुआ है। यह नौका सेवा 40 वर्षों तक बंद था क्योंकि श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण 40 वर्षों तक बंद पड़ा था। उसे शुरू किया गया है तमिलनाडु के नागपत्तनम तमिलनाडु के कहाँ से तमिलनाडु के नागपत्तनम से लेकर काके संथुराई काके संथु राई तक कांके संथुराई कहाँ पर है? श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका श्रीलंका तक ये फिर से नौका सेवा बहाल हो चुका है और ये 40 वर्षों तक बंद था। इसे खोला गया है दोबारा। गृह युद्ध श्रीलंका में गृह युद्ध होने के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण 40 वर्षों तक बंद था 40 वर्षों तक बंद था नौका संचालन। और इन दोनों देशों के बीच अगर नौका सेवा उपलब्ध हो जाता है तो इन दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच बढ़ेगा और व्यापार को गति मिलेगा। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। दोनों देशों के रिश्ते में मजबूती रिश्ते में मजबूती मिलेगी दोनों देशों की। और संभावनाएं इसमें देखा जा रहा है ग्रिड कनेक्टिविटी और इसमें यह पाइपलाइन और आर्थिक गलियारे की संभावना। ग्रिड कनेक्शन पाइपलाइन पाइपलाइन और आर्थिक गलियारा की संभावनाएं खुलेगी दोनों देशों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगा। इससे व्यापार में मजबूती होगा दोनों देशों के बीच। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अभी वित्त वर्ष जो है चालू वित्त वर्ष में भारत का जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है 8 बिलियन यूएस डॉलर कितना 8 बिलियन यूएस डॉलर
8 बिलियन डॉलर है और इसे 2023 में, 2023 में या तो फिर 2033, 2033 में या 2033 तक 11 अरब डॉलर बढ़ने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। बढ़ने की संभावना और यही 2040 तक, 2040 तक 40 बिलियन डॉलर, कितना? 40 बिलियन यूएस डॉलर बढ़ने की संभावना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में लैंड किया था, इसके लिए 23 अगस्त, कितना? 23 अगस्त को, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान थ्री चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का दर, जो हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था का दर जो चालू वित्त वर्ष में हाल ही में IMF द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा घोषित किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर, जो विकास दर होगा अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था का विकास दर फाइव पॉइंट नाइन प्रतिशत रहने की उम्मीद की गई है IMF के द्वारा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, जो भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बताया गया कि जो पहली 6 माही में भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास दर, सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का विकास दर है,
वो जो विकास दर है सेवन पॉइंट एट, 7.8 विकास दर 7.8 है जो विश्व का, सबसे तेज बीस का सबसे तेजी से बढ़ने वाला विकास दर है, सुभाष। नेक्स्ट देखते हैं उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के बारे में। निर्यात बढ़ने की संभावना है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया है, जिसे चीन से आने वाले आयात होने वाले वस्तुओं में कमी हुई है, भारी कमी हुई है। चीन से आने वाले वस्तुओं कहाँ से? चीन से, आने वाली वस्तुओं वस्तुओं में कमी हो रही है और क्या है, देश से, भारत से निर्यात बढ़ने में भी मदद मिल रही है। ये प्रोत्साहन योजना के कारण ही चीन से आने वाले वस्तुओं में कमी हुआ है। पहले चीन से पिछले वित्त वर्ष 2022-23 वित्त वर्ष 2022-23 में चीन से कितना था? 52.42 बिलियन डॉलर, का आयात हुआ था पिछले वित्त वर्ष में, और चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में, ये जो है पिछले वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में था, पहले 6 महीने यहाँ लिख देते हैं, पहले 6 महीने में पिछले वर्ष के 22-23 में, 2022-23 में 52.42 मिलियन डॉलर था, और चालू वित्त वर्ष पहले चालू वित्त वर्ष
2023-24, इसमें 50.47 बिलियन डॉलर डॉलर का आयात रह गया चीन से। चीन से कहाँ से? ये दोनों चीन से। चीन से आयात पहले छमाही में, पहले छमाही इतना रह गया है।